सभी संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि भूपेश सरकार ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि सभी को नियमित कर देंगे, मगर आज तक किसी को नियमित नहीं किया गया और इस बात को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा रही है। हालांकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। आज NHM कर्मचारी जितने भी हैं इनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है, और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा तन मन और धन से जो जुटे हुए हैं सारे कर्मचारी, वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। नियमितीकरण के लिए हड़ताल में गए हैं पूरे राज्य के समस्त NHM के संविदा कर्मचारी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि सत्ता कांग्रेस सरकार जो है सत्ता में अगर आती है तो 10 दिवस के भीतर वो हमको नियमित करेगी या उस पर विचार करेगी, बट आज दिनांक तक कुछ भी उन्होंने पहल नहीं किया है। और खबर